उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले 17 जून को अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण और नारेबाजी करने वाले गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पुलिस आज अजमेर लाई। अजमेर पुलिस ने आज उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि आरोपी हैदराबाद में पहचान बदलकर रह रहा था। उसके खिलाफ अजमेर की दरगाह थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज है। से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी टीम और जो हैदराबाद पुलिस है उसकी सजगता से इसको हम अरेस्ट करने में कामयाब रहे। राजस्थान पुलिस ने जो इसके बारे में हमारे मुखबिर तंत्र से जब सूचना मिली कि ये हैदराबाद में है, तो हमारी टीम हैदराबाद गई और वहाँ के लोकल पुलिस से सपोर्ट लेकर के और वहाँ पर वेश बदल करके और चारों तरफ से उस मकान की रेकी की गई और दुकानों की रेकी की गई और उसके आधार पर हमने वहाँ पर चारों तरफ से घेर करके इसको अरेस्ट किया। जो FIR है उसके अंदर इसको IPC के सेक्शन 115 सेपटी धारा 302, इसके अलावा इसको 117, 143, 149, 188, 504, 506 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। नहीं, अभी इसकी जांच की जा रही है, इसे पूछताछ की जाएगी, तब उसके बाद में ही हम डिटेल में बता पाएंगे कि ये किस रूट से गया है और किन किन के सहयोग से ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। चार लोगों को इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, इसके अलावा पांचवा जो है गौर चिश्ती उसको गिरफ्तार किया है और छठा जो इसको शरण देने वाला है मुनवर उर्फ एहसान उल्ला उसको अभी है डिटेन किया हुआ है।